तो आज के वीडियो में हम स्विंग सिलेंडर की ट्यूब डालने वाले हैं। स्विंग सिलेंडर लीकेज है, ये आपको दिखा दूं। तो जेसीबी 3TEC 2012 का मॉडल है। ये वाला स्विंग ट्यूब है ना, इसका पीछे का ट्यूब, वहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज है, दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, अब हमने मशीन को स्टार्ट किया है और ये देख सकते हैं आप, ये आपको ऑयल दिख रहा है वहाँ पे, ये यहाँ से लीकेज है। तो हमें अब ऐसा होगा तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इस ट्यूब का पहले 24 नंबर का बोल्ट होता है, इसको खोलेंगे। इसकी ये यहाँ के हमने क्लिप अभी निकाली है, ये वाली, ये खोलने के बाद ये बोल्ट खोलेंगे, ये पाना लगा के चेक करेंगे, ये यहाँ से लूज हुआ तो ठीक है, यहाँ से लूज होता है तो ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से लूज नहीं होता तो हमारा काम बहुत बढ़ने वाला है। अगर वहाँ से खुलता नहीं है तो ये 3 उधर के 3, ये 6 बोल्ट खोलने पड़ेंगे, ये प्लेट निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ से छुड़ाना पड़ेगा सिलेंडर पूरा की पूरा, ये उल्टा डालना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर हमें खोलना पड़ेगा। ये काम हुआ तो आधे एक घंटे में होगा, नहीं तो फिर इसको 2-3-4 घंटे भी लग सकती है। यहाँ की भी एलिंग की हमने खोल के रखी है, ये देख सकते हैं आप, ये एलिंग की लॉक नहीं खोलोगे तो ये ट्यूब निकलेगी नहीं और अंदर ही फंसेगी। इसलिए मैं हमेशा आपको बोला करता हूँ कि वीडियो जो है वो पूरा देखा करो, प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आएगा। कुछ चीज़ों को मैं वीडियो के दौरान ही बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, सेटिंग्स हो या कोई लॉक हो। सबसे पहले हमें ये 24 का बोल्ट खोलना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अभी कैमरा हमने सेट करके रखा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि ये देख सकते हैं अभी क्लियर दिखता है, कभी कभी सूरज की परछाई गिर रही है कैमरे पे, इसके लिए ये फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये बोल्ट पहले खोल के लेना है आपको, ये 24 का बोल्ट है, ठीक है। सबसे पहले आप ये पूरा के पूरा पाइप जो है वो साइड में आपको कहीं पे एडजस्ट करके रखना है। ये पूरा ऑयल यहाँ में आपको एक आधे बकेट में निकालना है, बाल्टी में पूरा ऑयल निकाल के रखो ताकि इस ऑयल को आप फिर से यूज़ कर सके, फिर से हाइड्रोलिक टैंक में डाल सके। अब पूरी तरह से ऑयल निकल चुका है और जहाँ से ऑयल थोड़ा सा गिर रहा था वहाँ पे मैंने कॉटन लगाया है। ये बड़े वाले पानी का यूज़ करना है, इसे पाइप रेंज पाना बोलते हैं। इसको यहाँ पर लगाना है ट्यूब पे, और फ्रीज एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे दिशा में उसको घुमाना है। बस इस तरह से उसको, दोस्तों ये बहुत ही अड़चन में है, इसके लिए वहाँ पे कैमरा लगाना ही बहुत मुश्किल है, नहीं तो आपको थोड़ा इससे क्लियर दिखाने की कोशिश करता था मैं। कैमरा लग ही नहीं सकता कहाँ पे, यहाँ पे लगा ही नहीं सकती, नीचे मैंने टायर के वहाँ पे कैमरा रखा है। इस तरह से इस पाइप रेंज पाना से आपको ट्यूब को घुमाते रहना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टे दिशा में घुमाना है, ये बात ध्यान में रखिए। जैसे हर नट बोल्ट खुलता है वैसे ही है। फ्री होने के बाद इस तरह से कॉटन लगा के आप घुमा सकते हैं, जैसे ही पूरे थ्रेड वहाँ से निकलेगी आपके बराबर ध्यान में आ जाएगा, एकदम फ्री हो जाएगा। हमारा ट्यूब पूरी तरह से खुल चुका है थ्रेड में से, इस तरह से आपको बाहर खींचना है उसको। थोड़ा सा ऑयल गिर सकता है वहाँ पे निकलने के बाद, ये देख सकते हैं ट्यूब हमारा पुराना वाला निकल चुका है। अब बस इसके जगह पे नया ट्यूब लगाएंगे और क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे। यह मेरे हाथ में नया स्लीव ट्यूब है, स्विंग रिंग का ट्यूब है, ये लोकल हमने परचेस किया है। आपको ये 2500 के आसपास मिलेगा, 2500 के नियर बाय मिलेगा, 100-200 इधर उधर हो सकते हैं।
आपके एरिया में जिस तरह से रेट होते हैं उस हिसाब से मिलेगा। इसके अभी हमने पन्नी भी नहीं खोली है, इस तरह से टाइट करते रहना है आपको। पहले तो हाथ से टाइट करना है शुरुआत से ही। अगर आप पानी का यूज़ करोगे तो थ्रेड पे थ्रेड चला गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हाथ से आपको इस तरह से टाइट करना है और एंड में आपको पाना लगा के टाइट करना है। अब लगभग हमारा टाइट हो चुका है, पाना लगा के भी हमने टाइट किया है, स्विंग पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। ट्यूब पूरी तरह से टाइट होने के बाद ये पाइप, ये जो मेटल का पाइप है ये लगाना है। उसको लगाने से पहले एक ज़रूरी बात आपको बता दूँ, इसके जो वॉशर होते हैं दोनों तरफ से लगाने हैं, ठीक है। एक बोल्ट में और बोल्ट के अंदर भी मैंने एक वॉशर लगाया है, नहीं लगाओगे तो लीकेज होगा, इस वॉशर का ध्यान में रखिए। ये यहाँ पे 24 का टूल्स लगेगा आपका, बॉक्स पाना और टॉमी लगेगी आपको। ये मेटल पाइप जो है उसके दोनों साइड में वॉशर लगते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। इसको अच्छी तरह से कसना है, इस तरह से इसको कसना है। ये थोड़ा सा पाइप या हथौड़ी लगा के और थोड़ा सा कस सकते हैं। हाँ था ना, खाली जाते हैं, खाली जाऊन चेक करते हैं। नहीं जागे और करते हैं। आप देख सकते हैं स्विंग की ट्यूब हमने अच्छी तरह से फिट की है, लीकेज पूरी तरह से बंद हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप देख सकें।